भी चाय दे दो, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, कब से ऊंचा नीचा करे जा रहा है। जब उस बच्ची को मेरे हवाले किया था तब कुमार के गले में कांदापुरम महल की मोहर लगाई ये माला मिली। महल में पूरी सुविधा के साथ पलने वाला मेरा बेटा कुमार इस गरीबों के हाथों खाना खा के पला बढ़ाए, मैं आपका किससे शुक्रिया अदा करूँ। कांदापुरम महल के राज्य को राज्यमान करने वाला राजकुमार मेरी बस्ती में सोते वक्त जाग के मैं हिफाजत कर रहा था। जब वो राजा नहीं बने तो उनके बदले में एक नकली राजा को हमने बनाकर भेजा। महाराजा के तेजस के रूप को लेकर जब स्टेज पर नौटंकी करते वक्त प्रजा की रक्षा और सजा देने को जो उसकी नौटंकी को देखकर भीड़ भाड़ में बीच में जो तालियां बजी थी, उन तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मुझे याद है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये मेरी खुद गर्जी है। सूर्यनारायण भले ही वहां का राजा है लेकिन कन्नाब्रह्म तो मेरा बेटा है ना। फिर भी दिल पर पत्थर रखे कुमार को महल के अंदर परिवार के साथ छोड़ने के लिए सोच रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार हो गई। साथ में नौटंकी करने वाली एक लड़की से प्यार करके उसी से शादी भी कर ली। उसका नाम भारती है, उसके साथ महल में है। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी आप आ गए ना। अब आप महल में जाकर उनको संभालो और जाकर ये भी बोलना कि इस गरीब पिता को कभी भूल मत जाना। पुत्र 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 पिताजी जीत गए। पुत्र कौन पुत्र? है जो बुला रहा है? पिताजी जाकर देख के आते हैं। भगवान ने बचा लिया। भगवान ये क्या हो रहा है? सुनो ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी क्या हुआ आपको? महाराज जी ये बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो गया क्या? सुनिए दूध। हाँ सूर्य नारायण की बीवी और बच्चे? नहीं अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सहेली है। कन्नाब्रह्म ये कैसी कसाई वाली दुआ इसको पिलाई? ओ कितनी बार तुम्हें बताऊं मैं कन्नाब्रह्म नहीं हूँ, सूर्य नारायण हूँ। राजकुमारी आपको बुला रही है। मैं जरा रासलीला में प्रकट होकर आता हूँ प्रजा के लोगों। हे भगवान किस तरह की आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस गई है। हाय तुए वेनु कोमो तालेवु। अरे ये क्या शुरू कर दिया, क्या बोल रही हो? राजकुमार आपको फ्रेंच नहीं आती? ओ अच्छा, नहीं मैंने जर्मनी सीखी है। तो फिर हम जर्मन में बात करेंगे। वुस्तेट नीच दास इच गितारे उंद इच बिन हेर अम्तार। हे भगवान इस महल में नॉर्मल बातचीत के लिए कोई नहीं है क्या? क्या सोच रहे हो? कैसे भाग जाऊं यहां से? नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर से भागने के बारे में सोच रहे हो ना? राजकुमार औषध का पानी गर्म कर दिया है। औषध का गर्म पानी? क्या हुआ राजकुमार? वो क्या है कि मैं बताती हूँ, कभी कभी बहुत दर्द में पड़े रहते हैं राजकुमार जी। ऐसा है? हाँ? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे देख लिया ना तुमने, जो मैं बात कर रहा था उस जर्मनी भाषा को मैं तुरंत भूल गया हूँ। जहाँ पढ़ाई की वो भाषा ही भूल गए। हे भगवान जाओ जल्दी जाकर कांजी। हाँ। पी लो।
अरे फ्रेंच जर्मनी तो दूर की बात है, मैं यहाँ से मलयालम भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। वो सब जाने दो, जिस औषधि के बारे में तुम बोल रही थी वो सच था क्या? नहीं, वहाने की वजह से वो तो ऐसे ही झूठ बोल दिया, वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे चुप रहो यार, वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। ओ, मैं नाटक के डायलॉग बोलने लगा था। बेटी कहाँ है? वो वहाँ सेवक के लोगों के साथ खेल रही है। सुनिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये क्या है सहेली, कब से तुम्हें औषधि की कांजी को लाकर रखने के लिए बोला था ना, कांजी बना कर रखी है तो कहाँ है? माफ कीजिए। खड़े खड़े मुझे मत देखो, जल्दी जाकर कांजी लेकर आओ। उसे पीने के बाद मुझे राजकुमारी के साथ जाना है जर्मनी फ्रेंच में बात करने के लिए। गुरुजी ये क्या है, महल में नौकरानी और सहेली, इन लोगों को बर्ताव करना नहीं आता है। वैसे गुरुजी आप यहाँ किस लिए प्रकट हुए हो? लगता है बरकुरदार मौन व्रत का पालन कर रहा है। लगता है ये पढ़ के राजकुमारी बहुत खुश हो गई। ओ, गुरुजी आइए ना। मैं रानी से थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग जाओ। त्रिपुरा सुंदरी, मैंने तुमको भी बोला है, अब तक ऐसे रहस्य कुछ भी नहीं है इस महल में जिसे मैं नहीं जानती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बात है गुरुजी? ये क्या है? कंचना लक्ष्मी और सूर्य नारायण के बीच होने वाली शादी के लिए निकाला गया मुहूर्त। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कुंडली नहीं मिल रही, तो आज कैसे मिल गई? रहस्य में जो करने वाला काम था उसे हम सब खुले आम करने की वजह से ही स्कंदापुरम महल का ये हाल हो गया है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से लेकर तीसरा दिन शुक्ल पक्ष के राशि पर 3 नाबिल और 8 सेकंड में होने वाले शुभ मुहूर्त में शादी होगी। इतनी जल्दी में? करना है, तुम दोनों को एक करने का फर्ज मुझ पर है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े मैं जरूर करूँगा। विवाह की बात उस दिन तक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हम तीनों के अलावा। ये सच बोल रहे हैं क्या गुरुजी? सच में वो सूर्य नारायण है क्या? अरे बाप रे, कई बार मैंने उस राजकुमार को अनाप शनाप बोल दिया था। अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना, अब तो जो हमें मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है क्या? जो राजकुमार शादीशुदा है ना, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे करेगा? जब शादी ही नहीं करेगा तो तुम लोगों को हिस्सा कैसे मिलेगा? वो बात तो सही है, लेकिन हम पहले से ही कुछ साजिश कर लेते तो कुछ ना कुछ हाथ में लगता। तुम्हारा ये काम थोड़ा नीची सोच वाला काम है, लेकिन कंचना की भलाई के लिए उस काम को हमें करना ही पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला है उस भारती को कान्हा ब्रह्म के रास्ते से हटाना होगा। पर कान्हा ब्रह्म को पता चला तो वो दुखी हो जाएगा, वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। रानी की शादी का दिन बहुत करीब आ गया है, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े राजकुमारी की शादी सूर्य नारायण से करा के ही रहेंगे। नमस्ते। चलो मुंह खोलो बेटा, आ। भारती। क्या बात है शशिकला, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ मैंने किसी और को बुलाया। भारती भारती, अरे भारती, इस महल का जो इतिहास है उसे बरकरार रखना ही पड़ेगा। जो चाहिए उसे रखो, नहीं चाहिए उसे हटाओ। मुझे कान्हा ब्रह्म चाहिए, भारतीय तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, माफ कर दीजिए राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पैर मत खींचो, सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ। हम इस महल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें माफ कर दो महाराज। ये क्या है, एक नया सीन? ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। उठो कर्मचारियों, उठो। आगे से पीठ दिखाकर चला करो, मुड़ के देखना मत, जल्दी से। अरे
महाराज मुझे बुलाया क्या? सच बताइए गुरुजी, आपको क्या हो गया है? उन दोनों को कोई दवा पिलाइए क्या? बेकार में आकर पैरों पे गिर गए, माफी मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई मेंटल बीमारी है तो हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वैसे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? अरे फिर से राजकुमार? मेरे पिताजी ऋषिकेश कैलाश, एक नौटंकी करने वाले, गुस्से में कहीं निकल गए और अब रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैंने पूछा सूर्यनारायण तुम्हारे बाप के बारे में। उसके लिए तो सूर्यनारायण की माँ से पूछना होगा, वो कहाँ है आप जानते हैं क्या? सूर्यन को जन्म होते वक्त दो पीढ़ी के बाद ये देश छोड़ गए। बहुत किस्मत वाली है, अपने आप बच के निकल गई। काना ब्रह्म सीधे रास्ते पे आओ, अब हम आपस में बात करते हैं। नया मसला क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा को